వెల్కమ్ టు షా న్యూస్. నేను మీ రహీం. ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. జయ జవాన్ జయ కిసాన్ జిస్సే మేకా హిందుస్తాన్. లేకిన్ ఆజ్ కిసాన్ కో ఉన్కీ మర్జీ కే ఖిలాఫ్ ఔర్ ఉన్కీ జమీనా కో హడప్నే కీ ఏక్ సాజిష్ కీ జా రహీ హై. हिंदुस्तान की इतनी मेहनतें गुजरी कि हिंदुस्तान के लिए इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी दी थी. जो बड़ी बांध देने वाले वो ये कह रहे थे कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन हालात देखिए, एयर इंडिया बिक चुका, LIC बिक चुकी, रेलवे बिक चुकी, BSNL बिक चुके. ये वही देश के गद्दार थे जम्मू की आजादी में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था. आज भारत माता की तो जय कह रहे हैं, लेकिन भारत माता को तबाह ताराज कर रहे हैं. आप सब इस जमाने में कोई दीवाना शाना नहीं है, सब होशियार हैं, सब अक्ल रखते हैं. मैं हर वो अक्लमंद आदमी को, हर वो हिंदुस्तान जमहूरियत 15 अगस्त के मौके पर जमीयतुल उलमा की जानिब से ये जलसा मुनक्किद किया जाता है. आप सब हजरात से दरख्वास्त की जाती है जो जलसागाह पर आए और यहां पर बैठ कर जलसे की समाप्त करें. हजरात, ये हम यहाँ पर इसी मुकाम पर 25 साल से ये प्रोग्राम चलाते हैं, वो इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क हिंदुस्तान के हर शहरी का है, हर जात वाले का है, हर गोरे और काले का है. इसीलिए इसी सिलसिले में ये सिलसिला चल पड़ा है. जो आप लोगों के दरमियान में जारी और सारी है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में, हम सब चाहते हैं इस मुल्क में अमन अमान हो, सुकून और चैन हो, मुल्क बिंदास तरक्की करे. दुनिया का हर वो शख्स जो हिंदुस्तान को आंख बताता है वो डर कर रहे, लेकिन हालात आपके सामने हैं. हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं. हमारे बड़ों ने लोगों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए. क्या ऐसा नहीं है
बीजेपी आवाज नहीं उठा रही है, बीजेपी आवाज उठा रही है, तो कांग्रेस पार्टी का लग उठा रही है, सीआरएस का लग उठा रही है। तो हमें ये सब पॉलिटिक्स को तो देखना नहीं है, हम सब एक जुड़ के हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है। अपना हिंदुस्तान अगर सही रहेगा तो हम सभी को बस ये कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान है। तो मेरे भाइयों भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, हिंदुस्तान को एक जुड़ बनाइए। कई दूसरी कंट्री में अगर हम जाते हैं, हिंदुस्तान जनाब फजलुद्दीन अहमद साहब सेक्रेटरी विद्यामंत्र उलमाए हिंद से मैं गुजारिश करता हूँ। आज मुल्क आपसे पूछ रहा है कि आज आपकी बारी है, इस बार इस मुल्क को जिंदा रखने की, इस मुल्क की एकता अखंडता को जिंदा रखने की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम सैयद फरीदुद्दीन फैसल है। आज हम यहाँ पर 26 जनवरी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सबको तो पता है हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन आज के दिन Oh,